Assalamualaikum everyone, मेरा नाम कमर उस्मान है और मैं ICTA Institute for Competitive Examinations में एक CSS PMS aspirant हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक एक ऐसे है जिसका टाइटल है New War Fronts Lie in Economic Zones। So let's start it। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तब भी हमारे पास जो सबसे ज्यादा एविडेंस आती है वॉर्स की या उनके जो रीजन है उन तमाम रीजन में जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो इकोनॉमिक रीजन होती है। तो आज का वॉर फ्रंट हो या हिस्ट्री का कोई भी वॉर फ्रंट हो उसमें जो इकोनॉमिक रीजन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन रही है। इस हवाले से मैं आपको दो एग्जांपल्स जो है वो यहाँ कोट कर दूंगा। एक हम एग्जांपल लेंगे महमूद गजनवी इन्वेजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उसमें बरसगीर पर 17 हमले किए और उन तमाम 17 हमलों की और भी कई रीजन थी लेकिन उनमें एक रीजन जो थी वो बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गेन करना या उन्हें प्लंडर करना था। महमूद गजनवी के बाद जो आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं वो है ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थी, जिस तरीके से गोरों ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया और यहाँ के रिसोर्सेज लूट लूट के बर्तानिया भेजे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बर्तानिया ने तकरीबन $4 ट्रिलियन वर्थ इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो सब कॉन्टिनेंट से लूटे और उन्हें इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया और इसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना कंट्री जो है वो बिल्ड किया। सो द पॉइंट ऑफ दिस इज के हिस्ट्री में, और ये सिर्फ दो एग्जांपल्स है, इसके अलावा आपको कई और एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिससे ये बात आप पर इजीली वाजे हो जाएगी, आप पर साबित हो जाएगी कि जो इकोनॉमिक रीजंस है वो वॉर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और हिस्ट्री इस चीज को बैक करती है। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट के हिस्ट्री में जितनी भी वॉर्स हुई हैं या मेजोरिटी चंक जो है वॉर्स का उनके पीछे एक इकोनॉमिक रीजन होती है और यही स्टोरी जो है वो आज भी दोहराई जा रही है। दिस बेग्स द क्वेश्चन के व्हाई के जो हमारे न्यू वॉर फ्रंट्स हैं वो इकोनॉमिक जोन्स में क्यों हैं। द क्वेश्चन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। उसकी पहली रीजन तो ये है कि जो जहां पे आजकल वॉर्स चल रही हैं वो बेसिकली तमाम रिसोर्सफुल रिसोर्स रिच एरियाज है, वहां पे रिसोर्सेज जो हैं वो अबंडेंस में और उन पर कब्जा करना उनको लूट लेना वो बेसिकली जो है ये आपके पास मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक प्लंडरिंग या इकोनॉमिक गेनिंग, आप इसको जो मर्जी नाम दे लें। इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गेन करने का फायदा ये होता है कि आप इससे अपना मुल्क जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और एडिशनल रीजन आप इसमें कर सकते हैं, इकोनॉमिक डोमिनेंस के बाद आप इससे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो अपने गेन कर लेते होते हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट की सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो बेसिकली आप स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जो है वो हासिल करना चाहते होते हैं। और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की जो सबसे बेटर एग्जांपल है जो कि हमारे अपने खित्ते की है वो पाकिस्तान इंडिया और चाइना के दरमियान जो राइवलरी है उसको डिस्कस करती है। अगर आप ये देखें तो बेसिकली पाकिस्तान पर चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है अरबों डॉलर्स सीपैक की सूरत में और उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान बेसिकली एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और अगर आप पाकिस्तान पर इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। जो कंट्री हम पे इन्वेस्ट करेगा वो इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन का और जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो हासिल कर लेगा और पाकिस्तान बेसिकली जो है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसकी एक रीजन जो सीपैक की है उस पर जो अरबों डॉलर हम पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, एक उसकी रीजन ये भी है कि बेसिकली ताकि पाकिस्तान विल एक्ट एज अ बुलवर्क अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। इकोनॉमिक डोमिनेंस हो गई आपके पास, प्लंडरिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गया, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस आपने हासिल कर ली। इसके अलावा भी इसमें काफी रीजंस हैं जो आप इसमें मजीद ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। एक और रीजन अगर आप यहाँ ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली आप जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है आपके रीजनल और ग्लोबल मामलात में, जो आपका से है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता होता है। अगर इस मामले में आपने ग्लोबल और रीजनल मामला में से देखना है तो इसकी सबसे बेटर एग्जांपल जो है वो यूएसए और चाइना है। यूएसए हमारे पास इस वक्त सुपर पावर है, दो इट इज ऑन अ डिक्लाइन बट स्टिल इसका जो से है दुनिया के मुख्तलिफ मामला में, मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट में, मुख्तलिफ अफेयर्स में वो बहुत ज्यादा है और इसके से को जो चैलेंज कर रहा है वो है चाइना। इवन के जो चाइना का बेसिकली जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो भी इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि किस तरीके से चाइना अपना ग्लोबल से जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। आफ्टर डिस्कसिंग द रीजंस के आपके पास जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो क्यों वहां पे क्यों वॉर फ्रंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक हम इस ऐसे में एक नई डायमेंशन जो है वो ऐड करना चाहेंगे कि अब की जो जंगें हैं वो किस तरीके से लड़ी जा रही हैं। जो मौजूदा दौर की जंग है खसूसन वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जंगों का जो तरीका वो बदल गया, इसमें कन्वेंशनल वॉर्स की जगह प्रॉक्सी वॉर्स ने ले ली है, इकोनॉमिक हिटमैन्स ने ले ली है, डेट ट्रैप ने ले ली है, रेजिम चेंज असैसिनेशंस और इस तरह के काफी दूसरे तरीके हैं जिनसे ये जंगें लड़ी जाती हैं। अब ये जो तरीके मैंने आपको बताए इनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक हिटमैन की। इकोनॉमिक हिटमैन का अगर सिंपल उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो है माशी तकरीबकार। ये बेसिकली हाईली क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके पास नहायत ही बेहतरीन और आला डिग्रीज होती हैं, और इनका बुनियादी काम जो है वो तीसरी दुनिया की मईशत को तबाह करना होता है। एंड बाय डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी इट मींस के उसको अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से जिस मुल्क का इकोनॉमिक हिटमैन होगा उसी मुल्क के जो मफादात हैं उसके ताबे करने के लिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को वो अपनी जो है मुख्तलिफ उसके लिए सजेशंस देगा और मुख्तलिफ तरीकेकार जो है वो अपनाएगा। इसकी जो सबसे बेटर एग्जांपल है वो आपको मिलेगी लैटिन अमेरिका के मुख्तलिफ कंट्रीज में, जहां पे इकोनॉमिक हेडमैन ने जो माशी तकरीबकार है उन्होंने किस तरीके से उनको जकड़ के रखा है और आज तक भी जकड़ के रखा हुआ है। बाकी जो इनका एक तरीका वारदात है, बेसिकली ये तीसरी दुनिया के ममालिक को इस बात पर मजबूर करते हैं कि वो ऐसे कर्जे लें और ऐसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को अपने मुल्क में इनवाइट करें जिससे उनके अपने मुल्क का जो है वो ज्यादा फायदा हो सके। ऐसे कर्जे ये लोग दिलवाते हैं उन ममालिक को जिनको पे करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये इनकी बेसिक वर्किंग का जो एक क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मजीद डिटेल्स देखनी हो तो जॉन पर्किंस की किताब द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन आप वो उसे कंसल्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक हिटमैन के बाद जो एक न्यू तरीका है जंग लड़ने का वो आपके पास है प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर बेसिकली क्या, ये दो या दो से ज्यादा ममालिक जो है वो आपस में नहीं लड़ते होते और वो किसी तीसरे मुल्क में जाके जो है वो अपनी प्रॉक्सीज को अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो है वो एनेबल करते हैं कि वो उनके बिहाफ पर लड़े। प्रॉक्सी वॉर की सबसे जो आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल है वो यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान चलने वाली कोल्ड वॉर थी, जो 1945 से लेकर 1991 तक चलती रही। इस पूरे अरसे के दौरान ये दोनों ममालिक डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इन्होंने लड़ाई नहीं की, कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़े, लेकिन ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। लेट 60s में आपको वियतनाम में लड़ते हुए नजर आएंगे और 1979 के बाद से ये आपको अफगानिस्तान में लड़ते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक में इन्होंने अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो है वो इसी तरीके से ये जंग कंडक्ट करते रहे। प्रॉक्सी वॉर्स के बाद आपके पास आता है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप ये पॉइंट बेसिकली इकोनॉमिक हिटमैन वाले पॉइंट के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। ये बेसिकली ऐसे कर्जे दिए जाते हैं तीसरी दुनिया के ममालिक को, खसूसन जो वीक नेशन स्टेट्स हैं उन्हें ऐसे कर्जे दिलवाए जाते हैं जिससे उनकी मईशतें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजीम जैसे कि IMF वर्ल्ड बैंक इनके ताबे हो जाए, और या यूएसए या कोई भी जो बड़ी सुपर पावर है जो उन्हें कर्जा दे रही है उसके ताबे हो जाए, वो कभी भी अपनी आजादाना इक्तसादी पॉलिसी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी वो उसे ना बना सके। डेट ट्रैप के बाद आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है न्यू वेज ऑफ वॉर की, वो बेसिकली है असैसिनेशंस या फोर्सफुल रेजिम चेंज है। इसमें अगर कोई एक मुल्क की हुकूमत या वहां बैठा हुआ कोई लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर आपके कहने में नहीं आ रहा, इकोनॉमिक हिटमैन के कहने में नहीं आ रहा, तो आप उसकी हुकूमत जो है उसका तख्ता उलट देते होते हैं। चाहे आपको डेमोक्रेटिकली उसका कोई कॉन्स्पिरेसी उसको डेमोक्रेसी का रंग देना पड़े, या अगर इन केस आपको फोर्सफुली उसे हटाना पड़े तो आप उसको हटा देते होते हैं। और फोर्सफुल रिजीम चेंज के बाद आपके पास एग्जांपल आती है असैसिनेशन की। ज्यादातर असैसिनेशंस को गो के प्रूफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इल्जामात जो है वो यही लगाए जाते हैं कि उन्हें किसी बड़ी ताकत ने जो है वो मरवाया है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो दो एग्जाम्पल्स कोट करना पसंद करूंगा। एक रिजीम चेंज के हवाले से एग्जाम्पल है डॉक्टर मुसद्दिक आगा की गवर्नमेंट थी ईरान में, जिसे 1950s में जो है वो हटा दिया गया और उसका इल्जाम जो है वो यूएसए पर लगाया गया। इसके अलावा पैनामा के एक लीडर थे उमर तोरी, जो 1981 में उनका प्लेन क्रैश कर गया और इस पर भी यही इल्जाम लगाया गया कि बेसिकली ये एक असैसिनेशन है जो कि यूएस के बहस पर कैरी आउट की गई है। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से जो आजकल की नई जंगें हैं वो लड़ी जा रही हैं। जंग चाहे 1000 साल पुरानी हो या आज के नई वॉर फ्रंट हो, इनके हमेशा से ही नुकसान हैं, और खसूसन उन ममालिक में जहां पे ये जंगें चल रही हैं वहां पे आपको कई किस्म के इसके इम्पैक्ट्स नजर आते हैं। एक इम्पैक्ट आपके पास होता है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, आपके यहाँ कीमती इंसानी जाने बहुत ज्यादा जाया हो जाती है। इसमें आप एग्जाम्पल अगर कोट करना चाहें तो आप सीरियन वॉर की कोट कर सकते हैं, जहां पे तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, अरबों डॉलर की इकोनॉमी जो है वो उन ममालिक की तबाह हो जाती है। उसके अलावा जंगों में का एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल टॉल होता है जो कि एक नेशन को अदा करना पड़ता होता है, और उनके बच्चों के और इवन के वहां की जो यूथ है उस पर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमे से वो गुजरते हैं उसका अंदाजा लगाना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा और भी कई इंपैक्ट्स हैं। माइग्रेशन शुरू हो जाती है विद इन द कंट्री, माइग्रेशन शुरू होती है जिसकी वजह से किसी भी सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है।
इंटरनल माइग्रेशन के बाद एक्सटर्नल माइग्रेशन शुरू हो जाती है। दुनिया के जितने भी जंग ज्यादा खत्ते हैं वहां से इस टाइम माइग्रेशन का सिलसिला जारी है यूरोप की तरफ, और ये यूरोप जाने के बाद वहां पे भी माइग्रेशन के वहां जो नुकसान सामने आते हैं वो अलग है, क्योंकि माइग्रेंट्स को ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी इमिग्रेशन स्टांस रखती हैं, वो उनकी वजह से जो है वो इंटरनल यूरोपियन डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो माइग्रेशन हो गई, कॉस्ट ह्यूमन लाइफ लॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल इंपैक्ट्स हो गए, साइकोलॉजिकल ट्रामा हो गया, और इसी तरीके से कई नुकसान होते हैं जब भी किसी एरिया में जंग शुरू हो जाती है, चाहे वो जंग आज से पहले होती थी या वो जंग आज शुरू हो रही है। So guys, that was all about today's video. अगर आपको ये लगता है कि आप इस ऐसे में मजीद किसी डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं, मजीद कोई रीजन जो है ऐड करना चाहते हैं, तो फील फ्री टू ऐड इट। थैंक यू गाइस।